hello my dearest parents how are you all i hope you are doing good this is sabir uksar here currently working as an rrbpo i welcome you all to my youtube channel and a very good morning to all of you. so in this video friends, I am going to continue the part 2 of my short notes. और इसके आगे और भी parts आ सकते हैं जब भी मुझे मिलेगा मेरे कुछ कुछ notes, तो मैं आपको हमेशा share करती रहूँगी तो मैंने एक वीडियो ऑलरेडी डाली हुई है जिसमें मैंने बहुत सारा सब कुछ दिखाया हुआ है शॉर्ट नोट्स मेरे जो भी हम प्रिपरेशन टाइम में यूज़ करते थे तो उसकी लिंक में डाल दूँगी अगर आपने नहीं देखा होगा तो आप देख लीजिएगा यहाँ पर देखिए मैं वो सब दिखा रही हूँ जो मैं आपको हमेशा कहती थी ना कि रिवीजन से पहले हम ये देखकर चले जाते थे बहुत हेल्प होती थी तो वो कौन से शॉर्ट नोट्स हैं वो मैं आपको दिखा रही हूँ ठीक है तो ये तो इंग्लिश की हो गई ये इंग्लिश की मैंने रूल्स वगैरह लिखी हुई है ऐसा आप भी लिखते होंगे तो ये तो इंग्लिश की हो गई है ना हम रूल्स वगैरह लिखते हैं उसके बाद मैंने आपको बताया हुआ है वो कैबलरी हमें मेंटेन करनी है तो वर्ड्स वगैरह लिखते हैं उसकी मीनिंग लिखते हैं उसको समरी में यूज़ करने की कोशिश करते हैं डिस्क्रिप्टिव में बहुत काम आता है उसके बाद देखिए यहाँ पर मैं वो लिखी हूँ जो मैंने आपको बताया हुआ है कि आर्टिकल जो हम द हिंदू से पढ़ते हैं उसकी खुद से खुद से वर्ड्स में समरी मैंने आपको लिखने के लिए बोला था ना ये हमें डिस्क्रिप्टिव में बहुत काम देगा और इवन हमें हमारी इंग्लिश सेक्शन में बहुत काम मिलेगा और हमें बहुत ज़्यादा ये वर्क करेगा करंट अफेयर्स में भी क्योंकि इससे हमारा ओपिनियन फॉर्म हो रहा है हमें करंट अफेयर्स भी स्ट्रॉन्ग हो रहा है हमारा डिस्क्रिप्टिव भी अच्छा जाएगा हमारा इंटरव्यू भी अच्छा जाएगा सब चीज़ों के लिए ये बेस्ट चीज़ है ठीक है उसके बाद देखिए इसी तरीके से आर्टिकल्स वगैरह से रिलेटेड खुद की समरी हमें खुद से लिखनी है और ये वर्ड्स वोकेबुलरी से रिलेटेड ऐसा हमें पूरा मेंटेन करके रखना है ठीक है आई होप ये सारी चीज़ें आप करते होंगे ये सारी चीज़ें लास्ट ईयर की हैं ठीक है तो ये हो गया इंग्लिश से रिलेटेड जो मैंने एक चीज़ दिखाया ये है इम्पॉर्टेंट चीज़ जो आप कहते हैं ना कि रीजनिंग और क्वाइंट uh, में हम क्या शॉर्ट नोट्स बनाएंगे देखिए ये एक इस टाइप का क्वेश्चन है देखिए अभी ये मुझसे बहुत अच्छे से बन जाएगा ठीक है लेकिन ये तब का है जब समझ लीजिए ये मुझे क्वेश्चन जो है ये हमेशा से मेरा कॉन्सेप्ट क्लियर लेकिन थोड़ा सा मुझे इसमें डाउट आता था तो मैंने उस क्वेश्चन का एक टाइप ही लिख के रख लिया है कि एग्जाम में जाने से पहले मैं इसको एक बार देख लूँगी ताकि मेरा बिल्कुल मन में रहे ये कि हाँ इस क्वेश्चन इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे करना है और ये वाला देखिए सी आई एस आई का डिफरेंस ऑलरेडी दिया रहता है उसमें कौन सा फॉर्मूला लगाना रहता है तो वो हमेशा याद नहीं रहता ना तो एक जगह पे लिख के रख लीजिए और लास्ट में आपको लास्ट मोमेंट पे रिविजन के लिए इस टाइप के नोट्स जो होते हैं ना बहुत हेल्प करते हैं देखिए सिर्फ इतना सा है लेकिन आपको रिविजन करते वक्त लगेगा इतना कुछ हमने देख लिया एक ही बार में तो ये तो इंग्लिश का है इसको छोड़िए यहाँ पर मैंने कुछ कुछ चीजें लिखी हैं अपने हिसाब से लिखी हैं ठीक है फोर्टी लीटर में से टेन लीटर रिमूव कर दिया उसको फिर वाटर से रिप्लेस कर दिया इस प्रोसेस को टू टाइम्स दोहराया गया तो कौन सा फॉर्मूला लगता है तो ये वाला फार्मूला लगता है तो मैंने कुछ चीजें अपने अकॉर्डिंग लिखी हैं आपको अपने अकॉर्डिंग लिखना है ठीक है देखिए ये मैंने कुछ कुछ चीज़ें लिखी हैं हमें हमेशा अपनी स्ट्रैटेजी जो है ना वो मेंटेन करके रखनी है ठीक है ये मैंने लिखा हुआ है कि ऐसा मैंने मैंने ट्वेंटी मिनट्स दिया है मेरे थर्टी क्वेश्चन सॉल्व हुए ट्वेंटी मिनट्स दिए मेरे ट्वेंटी फाइव क्वेश्चन सॉल्व हुए तो ये सही नहीं जा रहा था उस वक्त मेरे फिफ्टी फाइव ही क्वेश्चन सॉल्व हो रहे थे जिस वक्त मैंने ये चीज़ लिखा हुआ है ना तो ये कुछ चीज़ें हैं आपको अपनी स्ट्रेटी अपने अकॉर्डिंग मेंटेन करके चलनी है और अच्छे से अच्छा ज़्यादा से ज़्यादा हमें अटेम्प्ट करना है <laughs> ये देख के मुझे कितनी हंसी आ रही है सी बी स्ट्रांग सी बी ब्रेव ये मैं खुद को बोल रही हूँ ठीक है बिकॉज हो सकता है उस वक्त मेरे अच्छे मार्क्स नहीं आ रहे होंगे ना जितना मुझे सेटिसफेक्ट्री लगे उतनी उतने मार्क्स नहीं आ रहे होंगे तो मैंने कुछ, कुछ 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 लिखा है बहुत देखती रहती हूँ कहीं कुछ ऐसा वैसा तो नहीं लिखा हुआ है, है ना देखिए इस टाइप कुछ क्वेश्चन होगा जो मुझे नहीं समझ में आ रहा होगा उस समय तो उसका एक शॉर्ट नोट्स थोड़ा सा मैंने लिख लिया है कि एक बार हम देख लेंगे तो हमें अच्छे से हो जाएगा ठीक है ये देखिए इंदू एडिटोरियल निमिशा मैडम की ये मैंने फॉलो किया हुआ है तो वो सब कुछ लिखा हुआ है ठीक है तो वहाँ पर मैथ्स का सेक्शन था बट यहाँ पर इंग्लिश को मैंने कंटिन्यू कर दिया मैंसूरेशन के फार्मूलाज में हमेशा आपको कहती हूँ कि आपको एक जगह पर लिखा होना चाहिए बिकॉज़ ये वो चैप्टर जिसको हम ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं बट एक बार आपको अपने एग्जाम से पहले इसको पूरा देख कर जाना ही है ठीक है क्योंकि कई बार दूसरे क्वेश्चन नहीं बन रहे होते हैं ना तो ये वो टॉपिक है जो हमें अल्टीमेटली हेल्प करता है ठीक है ये हो गया उसके बाद ये क्या है मिड लेटर को ऑपोजिट लर्न देखिए यहाँ पर मैंने लिख लिया कि मिड लेटर जो ऑपोजिट वगैरह होते हैं उसे हमें लर्न करना है मैंसुरेशन के फॉर्मूलाज लर्न करने है परसेंटेज फ्रैक्शन वैल्यूज लर्न करनी है ठीक है तो इसको मैंने लिखा है मतलब किया भी है देखिए ऑपोजिट इन एल्फेबेट्स कोडिंग डिकोडिंग के वक्त हमें बहुत काम देता है रीजनिंग सेक्शन में तो इसको हमें एकदम अच्छे से लर्न कर लेना है कि एफ का उल्टा यू जी का उल्टा टी तो इसके लिए ट्रिक्स हैं कुछ कुछ तो ये ट्रिक मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है ना जिसके थ्रू हम लर्न करते हैं ये हमें कोडिंग डिकोडिंग में बहुत हेल्प करता है, है जहाँ पर पैटर्न बेस्ड कोडिंग डिकोडिंग आता है और ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जो मैंने आपको ऑलरेडी बताई हुई है ये है जो फ्रैक्शन परसेंटेज में चेंज होता है ना वो तो समझ लीजिए क्वेश्चन आ जाएगा आपको कि सेवन नाइन बाई थर्टीन परसेंट ऑफ समथिंग समथिंग ठीक लेकिन आप तो नहीं जानते आप क्या करेंगे थर्टीन इंटू सेवन प्लस नाइन बाई थर्टीन बाई हंड्रेड ऑफ दैट वैल्यू कितने देर में निकलेगा आपका बहुत टाइम लगेगा लेकिन हमें नहीं पता थी कि वो इतना ईजी है कि उसका मतलब वन बाई थर्टीन है तो ये जो फ्रैक्शन से परसेंटेज का कन्वर्शन है ना ये अगर आपने अच्छे से पैटर्न को समझ लिया तो आपका बहुत सारा डाउट क्लियर हो जाएगा ठीक है बहुत इजीली क्वेश्चंस बन जाएंगे तो ये मैंने पूरा लिखा हुआ है अगर आपको चाहिए होगा तो आप कमेंट करिएगा मैं टेलीग्राम चैनल पे इसे इसका ना फ़ोटो खींच के डाल दूंगी क्योंकि ये मैंने बहुत अच्छे से सर्च किया था बहुत जगह से एक जगह पे आपको ये सब कुछ नहीं मिलेगा बहुत जगह से सर्च किया था और फिर एक जगह पे मैंने लिखा हुआ था तो और इसको जब पढ़ते हैं ना तो बहुत सारा पैटर्न होता है उससे हमें समझ में आ जाता है वन बाई सिक्स सिक्सटीन पॉइंट सिक्स सिक्स टू बाई सिक्स थर्टी थ्री पॉइंट थ्री थ्री अब सिक्सटीन पॉइंट सिक्स सिक्स परसेंटेज ऑफ समथिंग आएगा तो आप सिक्सटीन पॉइंट सिक्स सिक्स बाई हंड्रेड इंटू करेंगे तो समझ लीजिए कितना मुश्किल होगा अगर आपको नहीं पता होगा कि सिक्सटीन पॉइंट सिक्स सिक्स परसेंटेज का मतलब क्या होता है वन बाई सिक्स होता है ठीक है तो ये सारी चीज़ें हमें ध्यान देनी है इसी टाइप के नोट्स हमें मेंटेन में करने हैं ऑनेस्टली जो भी है ना मैं आपको सब कुछ दिखा देती हूँ ठीक है जो भी चीज़ें मैंने की है देखिए यहाँ पर भी मैंने वही सारी चीज़ें की हैं बट ये उतना सफिशेंट नहीं था इसलिए मैंने और भी मेनटेन किया हुआ था ना उसके बाद देखिए यहाँ पर मैंने क्या लिखा हुआ है कि कुछ चीज़ें जो ट्रिक्स होती है ना वैदिक मैथ्स की कि कैसे मल्टीप्लाई करना है ईजिली मल्टीप्लीकेशन कैसे हो जाता है तो मैंने स्ट्रैटेजी में आपको हर जगह बताया है कि आपको क्या क्या चीजें पढ़नी है स्पीड इंक्रीज करने के लिए तो वो सारी चीजें मैंने यहाँ पर लिखी हुई है फिर देखिए कुछ कुछ मिसिंग नंबर सीरीज के जो पैटर्न होते हैं ना वो हमें हमेशा से माइंड में नहीं आते तो मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है कि इस तरीके की भी पैटर्न को हमें ध्यान देना है तो मैं एग्जाम से पहले ऐसा देख कर जाऊंगी ना तो थोड़ा सा मन में रहेगा कि हाँ ऐसे पैटर्न आते हैं तो तो अगर नहीं बन रहा है तो थोड़ा सा ऐसा सोचना है हमें ठीक है उसके बाद देखिए कोडिंग डिकोडिंग का इस तरीके वाला जो एक होता है तरीका सॉल्व करने का ये एक तरीका होता है स्टूडेंट्स अपने हिसाब से भी करते हैं तो आप ना ये सब देख घबराइएगा मत ठीक है आप जैसा करते हैं वैसा ही करिए अभी और लास्ट मोमेंट पे एग्जाम से पहले तो स्ट्रैटेजी चेंज करने की कोई ज़रूरत नहीं है तो अगर आप ऐसा ऐसा वाला मेथड करते होंगे अपने कोडिंग डिकोडिंग में तो आपको पता होगा कि मैंने यहाँ पर क्या लिखने की कोशिश की है और अगर नहीं पता होगा आप दूसरे तरीके से करते हैं तो वैसे ही करिए ठीक है उसी में आपका फ्लो बना हुआ है तो मैंने यहाँ पर उसको लिखने की कोशिश की है जो भी चीज़ें इक्वेशन करते हैं प्लस प्लस अगर है क्वेश्चन में तो सॉल्यूशन माइनस माइनस होगा माइनस प्लस है तो प्लस प्लस आप समझ रहे होंगे बहुत अच्छे से कि ये मैं क्या लिखी ठीक है तो ये सब कुछ मैंने लिखा हुआ है कि हाँ हमें ऐसा करना है ठीक है ये सब कुछ मैंने लिखा है कुछ क्वेश्चन परसेंटेज वाले हैं जो हमें एक झलक जाना है कि आ, इस क्वेश्चन में इस तरीके का आएगा तो हमें कैसा करना है तो आप अपने अकॉर्डिंग करेंगे ना मुझे जो चीज फील हुआ होगा कि मुझे थोड़ा सा ये लिख लेना चाहिए मैंने वो लिखा है आपको जो फील होगा उसको आप लिखेंगे ठीक है तो इस तरीके की ही हमें शॉर्ट नोट्स जो है वो बनाने होते हैं ठीक है थीके? इसी टाइप के शॉर्ट नोट्स की मैं बात करती हूँ कि रीजनिंग और क्वांट की भी आप पतली पतली देख रहे हैं ना कितने पतले कम पेजेस हैं इसमें पतली पतली अपने अकॉर्डिंग आप बना कर रखिए जो कि आपको लास्ट मोमेंट पे काम देगा ठीक है ये क्या है अच्छा ये है जुलाई का द हिंदू का नोट्स एंड अफेयर्स क्लाउड के डेली करेंट अफेयर्स है ना आप बोलते हैं कि कौन सा आप पढ़ते हैं देखिए सबसे पहले ना आपको मैं बताना चाहूँगी ये तो ये तो देख लीजिए द हिंदू का ये एडिटोरियल वगैरह है ठीक है ये एडिटोरियल वगैरह से जो भी मैं पढ़ती थी वो मैं एक पेज जरूर लिखती थी और ये मेरे बाद में इतना काम आता था जब हम डिस्क्रिप्टिव की तैयारी करते हैं उस समय बहुत काम आता था क्योंकि आपको एक्स्ट्रा कुछ भी पढ़ना नहीं है जो भी लेटेस्ट न्यूज़ है उसके आपके पास ऑलरेडी डेटा है अपने पास एक ए साइज़ पेपर में मैंने हमेशा हर मंथ का ऐसे मेंटेन किया है वन जुलाई का इतना सा मैंने लिखा ही हुआ है फिर आप देखेंगे देखिए टू जुलाई का थोड़ा सा लिखा हुआ है तो जो जो भी चीज़ें ना मैं ऐसे मेंटेन करती थी और ये क्या है देखिए ये है अफेयर्स क्लाउड का डेली पिली सी फ्रेंड्स आई हैव ऑलवेज यूज्ड एंड रेफर अफेयर्स क्लाउड फॉर माई करेंट अफेयर्स प्रिपरेशन जेन्यनली इससे बेस्ट कॉम्प्रिहेंसिव सोर्स कुछ नहीं हो सकता आप लोग ये भी पूछते हैं कि मैंने कौन सी पी डी एफ यूज़ की थी ठीक है तो फर्स्ट ऑफ ऑल अफेयर्स क्लाउड से कैसे पढ़ना है फॉर देट आई ऑलरेडी अपलोडेड अ वीडियो डिस्क्रिप्शन में आप चेक करना समझो कि कैसे क्या पढ़ना है मैंने उसमें बताया हुआ है डेली पी डी एफ वीकली मंथली सब कुछ आता है मैंने क्या पढ़ा हुआ था देख रहे हैं ना आप डेली पी डी एफ यह है फर्स्ट जुलाई का फिर देखिए सेकेंड जुलाई का इस तरीके से मैं पढ़ती थी और मेरा ये उस समय पढ़ने का तरीका था कि मैं लिखती थी ठीक है बट एक ऐसा टाइम आया था जब मैं नहीं भी लिखती थी तो आप अपने अकॉर्डिंग करिए ठीक है लिखने से टाइम भी बहुत वेस्ट होता है ज़बरदस्ती का मैंने लिखा है मेरे अकॉर्डिंग अभी मैं इसको देख रही हूँ तो मुझे लगता है थोड़ा कि मैंने जबरदस्ती लिखा हुआ है आप जनरली आप पी से भी पढ़ सकते हैं बट हो सकता है मैंने यहाँ पर लिखा है ना तो फिर मैंने जुलाई का पी नहीं निकलवाया होगा लेकिन अगस्त से फिर मैंने पी निकलवाया था ठीक है तो यहाँ पर मैंने लिख लिया था इसलिए मैंने अच्छे से इसको टेन भी किया हुआ है बाकी मैंने अगस्त में लिखा नहीं था ना मुझे याद है तो आपको क्या करना होता है पीडीएफ्स निकलवा के उसमें से पढ़ने होते हैं मेरा अगर आप पूछोगे तो मैंने डेली पीडीएफ पढ़ा है और मोस्ट डेडिकेटेडली जो मंथली क्यू एंड पीडीएफ आता है ना वो पढ़ा है ठीक है मोस्ट डेडिकेटेडली इवन नाउ इफ आई गो फॉर हायर एग्जामिनेशन तो करंट अफेयर्स मुझे पढ़ना होगा ना बेस्ट सोर्स एज अफेयर क्लाउड मैं उसी को रेफर करूंगी ठीक है एंड जो ऐप है ना अफेयर्स क्लाउड का उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में है और मैंने एक वीडियो बनाई थी उसमें मैंने बहुत अच्छे से आपको समझाया हुआ था कि आपको किस तरीके से पढ़ना है मैंने बहुत अच्छे से उसमें समझाया हुआ है कि वहाँ पर आपको वीकली मिलेगा डेली मिलेगा मंथली मिलेगा इंग्लिश में मिलेगा जो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए भी पूरे ये पीडीएफ हिंदी मीडियम में अवेलेबल हैं ठीक है थीके? उसके बाद आपको एग्ज़ाम पीडीएफ अलग से मिलेगा जब कोई एग्जाम आने वाला रहता है उससे रिलेटेड टॉपिक वाइज करेंट अफेयर्स मिलेंगे जैसे समझ लीजिए कमिटीज हो गया जैसे अवार्ड्स हो गए ऐसे पूरे करेंट अफेयर्स मिलेंगे फिर कुछ एक स्पेशल हेड के अंदर स्पेशल करेंट अफेयर्स मिलते हैं ऑल्सो वेन यू परचेज पूरा ये वाला कोर्स यू शैल गेट द स्पेशल डी आई एंड पजल सेट्स फ्री टू प्रैक्टिस और इतना सब का कॉस्ट सिर्फ फोर टू फाइव हंड्रेड रहता है ठीक है फॉर एन ईयर और इसमें भी आप अगर एक कूपन कोड ये एस आर टेन लगा देंगे तो उसमें भी आपको इंस्टेंट डिस्काउंट मिल जाएगा तो जस्ट गो एंड परचेज एंड यू शैल बी सॉर्टेड मैं लिंक जो है ना डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी आपको ठीक है एंड डोंट फॉरगेट टू यूज़ दिस एस आर टेन कोड एंड फॉर एनी डाउट्स जस्ट रेफर टू द वीडियो इन डिस्क्रिप्शन जो मैंने पहले बनाया हुआ था जिसमें मैंने पूरा बताया है कि आपको अफेयर्स क्लाउड से कैसे पढ़ना है ठीक है तो यही सारी चीज़ें हैं फ्रेंड्स इसे हमें फॉलो करनी होती हैं तभी आपको मिलेगा सब कुछ रिजल्ट जो आप डिज़ायर्ड चाहते हैं ना उतनी मेहनत आपको करनी होगी आप यहां पर देखिए मैंने से ये देखिए जुलाई थर्ड ऐसे पढ़ा हुआ है और ये जो ये जो पेन से दिख रहा है ये सब क्या है ये सब रिवीजन के टाइम का है ठीक है रिवीजन के टाइम का है और मैंने आपको अच्छे से समझाया है, मैं रिवीजन कैसे करना है ये तो मैंने लिखा हुआ है बट रिवीजन कैसे करना है पीडीएफ में आपको हाइलाइटर यूज करके पढ़ना है फर्स्ट टाइम में और जब आप सेकेंड टाइम में पढ़ेंगे तो सिर्फ जो हाईलाइटेड चीज़ें हैं उसे पढ़ना है इससे हमारा टाइम सेव होता है ये सारी चीज़ें मैंने आपको उस वीडियो में एक्सप्लेन की है आप प्लीज़ उस वीडियो को देख लीजिएगा और यही तरीका होता है नोट्स प्रिपेयर करने का और यही तरीका होता है करेंट अफेयर्स पढ़ने का तो यहाँ पर मैंने आपको दो चीज़ें दिखा दी हैं एक मैंने दिखाया है Uh, अपने शॉर्ट नोट्स कि मैं कैसे प्रिपेयर करती थी और दूसरा यहाँ पर मैंने आपको दिखाया है करेंट अफेयर्स करेंट अफेयर्स के लिए सोर्स आप हमेशा पूछते रहते हैं तो बेस्ट सोर्स अफेयर्स क्लाउड इसको आपको फॉलो करना है ठीक है लिंक आपको सब कुछ सारे चीज़ों का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स मिल जाएगा वहाँ से चेकआउट कर लीजिए और जाकर परचेस कर लीजिए और अभी जिसका आर आर बी क्लरिकल एग्जाम अभी तुरंत है ना वो अभी थोड़ा सा मेन्स का प्रिपरेशन जो है वो थोड़ा सा साइड में रख सकते हैं बट जिसका सेवन अगस्त को है एट अगस्त को है वो अभी कंटिन्यू रखिए बिल्कुल ठीक है आपको सिर्फ हाफ एन आवर ही तो देने हैं करंट अफेयर्स के प्रिपरेशन को मेंस के आप बाकी पार्ट को अलग रखिए लेकिन करंट अफेयर्स का प्रिपरेशन के लिए आपको सिर्फ हाफ एन आवर देने है। तो उसके लिए बिल्कुल आप इधर उधर मत करिए उसको आप कंटिन्यू ही रखिए एक बार छूट जाता है ना तो बहुत मुश्किल होता है आगे प्रिपेयर करने में तो इसलिए करंट अफेयर्स के प्रिपरेशन को आप कंटिन्यू रखिए और अफेयर्स क्लाउड का लिंक सारा आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा जाके वहां से परचेज कर लीजिए ठीक है और वो वाली वीडियो देख लीजिएगा जो मैंने इससे पहले अफेयर्स क्लाउड कैसे पीडीएफ पढ़नी है कैसे कहाँ से आपको कैसा सोर्स मिलेगा एक बार आप परचेज uh, करने से पहले भी जाकर एक बार समझ लीजिएगा ठीक है सो दैट वॉज ऑल फॉर टुडे माई डियर फ्रेंड्स दिस इज साबियर साइनिंग ऑफ सीआर ए नवर नेक्स्ट सेशन टिल देन स्टे हैप्पी स्टेबलेस्ट कीप लर्निंग एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग